एक कथा मैंने बहुत छोटे में नरसिंह जी की पढ़ी थी, बड़ी विश्वास के ऊपर, और मैंने आपको इस 22 महीने में सुनाई भी नहीं है। नरसिंह जी भात भरने को जा रहे, टूटी गाड़ी थी, 50 बाबा जी बैठे थे, दो चार रही होंगी गाड़ी, एक में तो कहां से आ जाए, हो सकता है उस समय की गाड़ी बड़ी हो तो भी नहीं कहा जा सकता। बूढ़ी गाड़ी, टूटी गाड़ी, बूढ़े बैल, रास्ते में गाड़ी बिखर गई। रात का टाइम था, महात्मा लोग बड़े परेशान हो रहे थे, गालियां देने लगे नरसिंह को, देख हमने तुझे समझाया तू नहीं माना, वही बात तन पे नहीं लगता, चल पड़े कलकत्ता। सब खोटी खरी सुना रहे थे नरसिंह को, नरसिंह जी मुस्कुरा रहे थे उस आफत में भी, उस परेशानी में भी। इतने में क्या हुआ, एक कारपेंटर आया, लकड़ी का काम करने वाला वो आया, और उसने वो गाड़ी ठोक ठाक करके ठीक कर दी। गाड़ी चालू, गाड़ी चलने लगी, वो तो चला गया बंदा बना बुनू के, पैसा पूसा भी उसने नहीं लिया, सेवा करके चला गया। तो आगे चल करके वो महात्मा कहने लगे, अदेला तेरी जेब में नहीं है, फटी फटाई जेब भात भरने को चल पड़ा, ना कटाएगा कैसे भात भरा जाएगा। तब नरसिंह रो पड़े। नरसिंह जी ने कहा कि अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली हैं, आधी रात है, यहाँ कोई गांव नहीं, यहाँ कोई मोहल्ला नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, आधी रात्रि को जिसने आकर के गाड़ी बनाई वही मेरी बिटिया रामा का भात भरने के लिए आएगा। जो गाड़ी बना करके चला गया था वो सांवरिया था, वो गिरधारी था वह। तो भगवान के ऊपर कुछ भरोसा तो हो, फिर तो काम फटाफट 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 बनते, मेहनत हम करेंगे परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। और हम और आप सब काम तो भगवान का कर रहे हैं, दिक्कत तो तब आती है जब उसको अपना समझ लेते हैं। और परमात्मा देखिए, एक सेठ अपना काम करता है, घाटे का मुनाफे का उसको बड़ी फिक्र रहती है, लेकिन एक जो नौकर काम करने को जाता है वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, मुनाफा क्या होगा घाटा क्या होगा ये मालिक जाने। काय इन वाचा मनशिंदवा बुद्ध्यात्मनावांशर्षभावात् करोति यदित सकलम परस्मै नारायणा इति समर्पयेत। तो भागवत धर्म की बात भागवत जी में कही गई है, जैसे एक नौकर सब चाबी चुबियाँ अपने सेठ को सौंप देता है, रात भर वो सोचता रहता है कहाँ से कैसे क्या करना है, दिन में जो भी करो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, कहो प्रभु जो भी कुछ किया है तुम्हारी प्रसन्नता के लिए किया है, गारंटी है मन कमजोर नहीं होगा। भगवान के बनकर करें और भगवान के लिए करें। दुनिया का तो मुझे पता नहीं है, अपनी तो मैं कह देता हूँ, मंगलवार है, बिल्कुल सत्य बात है, भगवान का बन के कर रहा हूँ और भगवान के लिए कर रहा हूँ। मन में कोई अशुभ संकल्प नहीं है, अकल्याण की बात नहीं है, कोई छल नहीं है, छिद्र नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, लुच्चागिरी नहीं है, पाखंड नहीं है, उद्दंडता नहीं है, गुंडई नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल जो है एकदम क्लियर रूप से यह समझ करके भगवान का बनकर कर रहा हूं और भगवान के लिए कर रहा हूं।